राम राम ताऊ। हरियाणा ने इतना प्यार दिया है पंजाब को कि आते हुए मैं बोलती आ रही थी कि हरियाणा पंजाब भाईचारा जिस तरीके से इस मोर्चे में, किसान मोर्चे में दिखाई दिया है, इसी तरीके से आगे भी हमने और भी बहुत मोर्चे फतेह करने हैं हरियाणा पंजाब छोटा भाई बड़ा भाई मिलके। सो जो मान हरियाणा बख्शता है पंजाब की बेटी को यहाँ पे, इसी तरह से हमारे पंजाब में भी जिस तरह की किसान की कोई पंचायत होगी, हम आपको निमंत्रण देंगे कि आप भी हमारे पंजाब में आए और पंजाब हरियाणा का ये जो नारा है ये हमेशा बुलंद रहे। और बाकी मैंने आपके गांव के बारे में बहुत तारीफ सुनी क्योंकि मैं भी टिकरी बॉर्डर पे थी एक साल तक। आपने दूध और दही की जो सेवा की है, क्योंकि हरियाणा की पहचान ही दूध और दही की है, और जो ये गौशाला ने सेवा की है मैं इसका धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए किसानों के और भी बहुत मुद्दे हैं जो अभी सरकारों के साथ लड़ने की जरूरत है, जो कि सरकारों को करने भी चाहिए इस टाइम पे। हमारे पंजाब में इस टाइम पानी की जो मात्रा है जमीन के बहुत नीचे जा चुकी है, उसी तरह से मैं बताना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हरियाणा में भी पानी की मात्रा नीचे जाएगी। इसलिए जो हम लगातार चावल की खेती करते हैं, हमें डिमांड करना चाहिए आगे जाके अपनी गवर्नमेंट से कि डिवर्सिफिकेशन, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होनी चाहिए ताकि पानी को बचा सके हम अपनी जमीन के पानी को। नहीं तो आने वाले 15 साल में हमारा पंजाब हरियाणा की जो जमीन है वो राजस्व रेगिस्तान बन जाएगी क्योंकि पानी बहुत नीचे चले जाएगा। ये कुछ मांगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, बट वो हमें अभी बोलते हैं कि हम हर एक फसल के ऊपर, मक्का जैसी फसल के ऊपर, दूसरी फसलों के ऊपर, ज्वार बाजरे दालों के ऊपर एमएसपी नहीं दे सकते। हमारी मांगे अभी ये बाकी हैं कि हमने बाकी की फसलों के ऊपर भी अभी एमएसपी फिक्स करवानी है ताकि हम अपनी जमीन का पानी बचा सके आने वाले टाइम पे। और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अपने किसानों से कि ये जो आप दानेदार खादे डीएपी यूज करते हो अपने खेतों में, हाथ जोड़ के विनती है कि इसकी कम इस्तेमाल करें। जो स्प्रे वाली डीएपी खादे आई हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करें क्योंकि वो आपकी धरती को बंजर बना देगी आने वाले टाइम पे, जिससे आपकी धरती में बहुत ही जहरीली गैसें बनेंगी और साथ में कैंसर जैसी बीमारियां आएंगी। हम लोगों को ये सेमिनार्स और ये सारी एजुकेशन सबको बतानी चाहिए। मैं आप लोगों को ये बता के जा रही हूँ क्योंकि ये हम अपने पंजाब में गांव-गांव में सभी को यही एजुकेशन देते आ रहे हैं। और साथ में हरियाणा में हम किसान एकता मंच बनाने जा रहे हैं और साथ में हमारी माई पागो चैरिटी के साथ जो भी किसान हमारे साथ जुड़ना चाहे वो हमें संपर्क कर सकता है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। राम राम, राम।